हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टाइप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आखिर बिना पढ़े कैसे एग्जाम को पास करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये क्या बोल रहे हैं कि बिना पढ़ाई किए एग्जाम कैसे पास करें। तो जी हाँ, आज हम उन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि बिना पढ़े एग्जाम को कैसे पास किया जाता है। तो उनकी बात करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं उन पॉइंट की, उन टॉपिक की, जिसको आप फॉलो करके, जिसको आप अपना कर जो है बिना पढ़े भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। आइए सबसे पहली पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट है प्यारे बच्चों, पूरे सिलेबस की जानकारी रखें और पढ़ाई शुरू करने से पहले बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जरूर रखें। यानी आप जिस टॉपिक की तैयारी करने जा रहे हो, जिसका पेपर देने जा रहे हो, उसका पूरा सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई हम यहां से यहां तक हमारे पेपर में पूछने वाला है। आपको यह ध्यान देना है, जैसे आप साइंस का एग्जाम देने गए, अब साइंस के एग्जाम में हाई स्कूल का साइंस का पेपर देने बैठ गए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों पार्ट में से तीनों पार्ट का सिलेबस पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए प्यारे बच्चों। तब आप उस आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि प्रश्न इस टॉपिक से यहां से पूछा है, तो आप कोई फालतू कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना कि पहली पॉइंट क्या कहता है भाई, पूरे सिलेबस की जानकारी जरूर रखें और पढ़ाई शुरू करने से पहले बोर्ड एग्जाम में जो होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जरूर अपने पास रख लीजिए, आपको ये बहुत ही काम देगा प्यारे बच्चों। आइए दूसरी टॉपिक की बात करते हैं भैया। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा, रेगुलर पढ़ाई करें। रेगुलर मतलब रोज प्रतिदिन लगातार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ डेली पढ़ो प्यारे बच्चों, और वो टाइम, वो निश्चित टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि जब मन में आए तब आप पढ़ने बैठो, ऐसा कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों। रेगुलर पढ़ाई कीजिए और एक टाइम बना के पढ़िए प्यारे बच्चों। आपकी तीसरी पॉइंट क्या होती है, ब्रेक ले लेकर पढ़े। मतलब ये नहीं कि एक दिन मन में आया तो पूरा हम 12 घंटे पढ़ डाले, दूसरे दिन एक घंटे नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन 16 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन एक घंटा नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। पढ़ाई आपको लगातार करनी पड़ती, लगातार के साथ साथ बीच में एक ब्रेक लेना भी आवश्यक होता है। यानी छोटे छोटे समय अंतराल करके पढ़ेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम निकालेंगे, 1-2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, जब भी टाइम मिले। मतलब कि यार एक टाइम होना चाहिए कि उस टाइम में आपको ब्रेक मिलना चाहिए, आपका दिमाग भी थक जाता होगा कार्य करते करते, तो ब्रेक ले कर पढ़ाई करना है तीसरी पॉइंट। चौथा पॉइंट का है, लगातार एक विषय ना पढ़े। भाई अब आजकल के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी कोई किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो गया, किसी का फेवरेट हो गया इंग्लिश, किसी का फेवरेट हो गई हिंदी, किसी का फेवरेट हो गई साइंस। तो भैया आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट है ना, मान लो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लेता हूं, परंतु भाई और जो बाकी सब्जेक्ट है वो आपके फेवरेट नहीं है, तो क्या उनसे आपको नंबर नहीं लाना? नंबर लाना है, उनसे भी नंबर आपको प्राप्त करना है। तो ध्यान देना यारो दोस्तों कि किसी भी एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना, किसी भी एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने से अन्य सब्जेक्ट आपके वीक हो जाएंगे और उस सब्जेक्ट में आपको उबन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए कुछ बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि भैया लगातार जो एक विषय आप पढ़ते रहते, जैसे आपका मैथ काफी लोगों का फेवरेट होता है, भाई लगातार आप मैथ पढ़ते, तो लगातार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट पे, विशेष तौर पे सभी सब्जेक्टों पे आपको ध्यान देना है। अगला, हर दिन रिवीजन करें। जो चीज आप पढ़े हो, जैसे आज आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के नियम पढ़ लिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट डे अगर आप बैठ रहे हो प्रकाश की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए, प्रकाश के उसके बाद तमाम प्रकार के स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम, तो ये सब चीज पढ़ने बैठ रहे हो, तो वो जो पिछला डे है ना, नेक्स्ट डे जो आप पढ़े हो उसके लिए 15 मिनट टाइम निकाल कर रखो कि भाई 15 मिनट मैं पिछला वाला रिविजन करूंगा तब आगे बढ़ूंगा। इस बात को ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि आप आज पढ़ लिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगले दिन परावर्तन का नियम पढ़ने जा रहे हो, परंतु परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले एक बार प्रकाश के परावर्तन को हम रिवीजन जरूर करेंगे। यही कह रहा कि हर दिन आपको रिवीजन करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अगला, हर दिन अच्छी नींद लेनी। अच्छी नींद का मतलब यह नहीं है कि आराम से एकदम ठाठ से सोते रहे 10-20 घंटे 22 घंटे सोए, नहीं, ऐसी नहीं बात है। मैंने कहा एक
व्यक्ति के लिए, एक विद्यार्थी के लिए प्यारे बच्चों 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक होता है। आप जब एकदम मन अच्छे से अच्छी नींद लेंगे, मतलब कहने का मतलब 8 घंटे नींद पूरी करे रहेंगे, तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, एक अच्छे तरीके से दिमाग काम करेगा, किसी प्रकार के आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, किसी प्रकार आपका दिमाग उलझन में नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए कह रहा हूं हर दिन एक अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। अगला, रोजाना खेल कूद करे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप एकदम खेल कूद बंद कर दो या एकदम पढ़ने में ही मन लगा दो, भाई रोजाना डेली आप कोई ना कोई वॉकिंग कीजिए, आप खेलिए कूदिए, मनोरंजन कीजिए। मनोरंजन भी जरूरी होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके मनोरंजन से आपका दिमाग जो होता है ना एकदम शुद्ध हो जाता है प्यारे बच्चों, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो इन सभी चरणों को अपनाकर आप जो है आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो प्यारे बच्चों। यदि आपको ये सारी टॉपिक अगर आप अपना लेते हो तो आपका इस तब आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिजल्ट है, वो कहीं दूसरे पड़ाव पे मिलेगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।